हेलो फ्रेंड्स, हॉट एंड सॉर चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मंजू आज आप लोगों के लिए इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, इसको सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। और इस होली पे फ्रेंड्स, आप ये इंस्टेंट रबड़ी ज़रूर बनाइए और अपनी होली को मिठास से भर दीजिए। तो और ये इंस्टेंट रबड़ी है जो कि बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाती है। और इसका टेस्ट तो इतना अच्छा है कि आप इसको बनाएं और चखें, उसके बाद ही पता चलेगा। बहुत अच्छी बनती है ये। और एक बार अगर आप इसको बनाएंगे तो आई होप कि एवरी वीक आप इसको बनाकर खाएंगे, क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि ये रबड़ी आपको कैसी लगी। और अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और ये सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए हम ये इंस्टेंट रबड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 लीटर दूध और ये फुल फैट मिल्क है। आप यहाँ पर चाहे तो गाय या भैंस का भी दूध ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पैकेट का दूध लिया है और ये 1/2 लीटर है। अब हम इस दूध को उबाल आने देंगे और जब तक इस दूध में उबाल आता है हम बाकी के इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं कि हमें किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है चीनी, ये 2 से 3 चम्मच चीनी है। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और यहाँ पर लिया है मैंने मिल्क पाउडर और मैंने यहाँ पर ये पतंजलि का काओ मिल्क पाउडर लिया है। आपको जो भी मार्केट में अवेलेबल हो या जो आपको आसानी से मिल जाए, आप वो मिल्क पाउडर ले सकते हैं। किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया 3 स्लाइस ब्रेड की, 1 चम्मच घी और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है केवड़ा जल, डाबर का केवड़ा जल है और ये किसी भी अच्छे ग्रोसरी की शॉप में मिल जाता है और ये टोटली ऑप्शनल है। यदि आप ना यूज़ करना चाहें तो ना यूज़ करें, लेकिन अगर आप इसको एक बार ले लेंगे तो ये 1.5 से 2 साल तक चल जाता है और बहुत रिजनेबल रेट में मिलता है। तो चलिए हम आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। अब हम इस ब्रेड के कॉर्नर्स को काट सकते हैं और यहाँ पे ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप वाइट ब्रेड ही लें, वो ज़्यादा अच्छा है, हमारा टेक्स्चर जो है बहुत अच्छा आता है। तो हम इसके ये स्लाइस जो साइड्स हैं ये इसको हमको काट के निकाल लेना है। अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे या हाथ से तोड़ लेंगे और एक ग्राइंडर जार में डाल के हम इसको क्रश कर लेंगे। ब्रेड को हमने यहाँ पर क्रश कर लिया है, इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। ये देखिए, ये तैयार हो गया है। और अब हम एक बर्तन में अपने मिल्क पाउडर को डाल लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे, इसको घोल लेंगे। पाउडर ही हमने घोल लिया है, एक एकदम लम्स फ्री है। अब हम चलते हैं अपने दूध की तरफ। देखिए, दूध में उबाल आ गया है और जैसे ही दूध में उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे क्रश किया हुआ ब्रेड और इसको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मिल्क पाउडर को जो हमने घोल के रखा था उसको भी डाल देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लेंगे। रबड़ी की रेसिपी जो है वो बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट का तो कुछ कहना ही नहीं है। एक बार आप इसको ट्राई कीजिए और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है। इसमें जो मैं केवड़ा जल का यूज कर रही हूँ वो टोटली ऑप्शनल है। देखिए, अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और इसका टेक्सचर कितना अच्छा आने लगा है। देखिए, रबड़ी जो है वो अभी से गाढ़ी दिखने लगी है। तो इसी तरह इसको लगातार हम 2 मिनट तक और चलाते हुए पकाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 मिनट और हुआ है, मतलब हमने इसको 4 मिनट टोटल पकाया है और इसका टेक्सचर कितना
गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी, क्योंकि हमने यहाँ मिल्क पाउडर डाला है और मिल्क पाउडर में भी मिठास होती है, तो चीनी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए अभी से क्या लाजवाब दिख रही है। और अब हम इसमें केवड़ा जल भी डाल देते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच केवड़ा जल। इसकी जगह आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं, इससे इसका जो स्वाद है वो थोड़ा सा बहुत अच्छा हो जाता है। और देखिए क्या लाजवाब हमारी रबड़ी बनके तैयार हो रही है। अब हम यहाँ पर जो हमने घी लिया था ये भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ऑलमोस्ट तैयार है और इसको पकने में 5 से 6 मिनट तक का टाइम लगता है। और ये स्वादिष्ट इतना होता है कि वो आप जब एक बार बनाएंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा। अब हम यहाँ पर अपना इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार हुई है। और ये टोटल 6 मिनट मैंने इसको पकाया है, 6 मिनट में ही ये इतना गाढ़ी हो गई है। बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। मैं यहाँ पर इसको रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी गाढ़ी हो जाएगी, एकदम बाजार जैसी हमारी रबड़ी बनकर तैयार होगी। देखिए मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है और ये देखिए इसका टेक्सचर कितना गाढ़ा हो गया है। और ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही स्मूथ, बहुत ही टेस्टी हमारी ये रबड़ी जो है वो बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसको एक डिश में निकाल लेते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये इसको बनाने में इंस्टेंट रबड़ी बनकर तैयार है। इसकी हम गार्निशिंग कर देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। और ये हमारी इंस्टेंट रबड़ी बनकर एकदम तैयार है। ये देखने में जितनी खूबसूरत है खाने में उससे कहीं ज्यादा टेस्टी और खूबसूरत है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक देकर बताइए कि इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी।